इंशाल्लाह ताला एक अच्छा प्रोग्राम हम करेंगे यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से लाहौर में। उसके लिए ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब पार्टी की बाकी लीडरशिप के साथ बात करके तो फिर उसको फाइनल प्रोग्राम तश्कील देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा खास साहब, ये बताइएगा कि सेनेट का बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है इस वक्त, और जो केसेस हैं चौधरी बरादरान के, उनके हवाले से भी बड़े अहम फैसले आ रहे हैं सामने, उनको क्लियर किया जा रहा है। नून लीग के केसेस के हवाले भी आपके सामने हैं, आप भी मुख्तलिफ केसेस में, आपके नैब में केसेस चल रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं? उधर क्लीन चिट मिल रही है, लेकिन नून लीग के हवाले से जो है स्टांस अपनाया जा रहा है। कैसे क्लीन चिट मिल रही है? चौधरी बरादरान को दो केसेस के अंदर क्लीन चिट मिली है। मैं किसी और के केस पर तो तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि एहतसाब के नाम पर पहले भी अब ये बताते रहे हैं, महज इंतकाम लिया गया है। आप ये देखें कि दसका में ज़िमनी इलेक्शन शुरू हुआ है तो हमारे इलेक्टेड MNA अरमगान सुबहानी साहब को एहतसाब का बुलावा आ गया है, और उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ दसका के ज़िमनी इलेक्शन में उनको रोकने से है, और क्या हो सकता है इसके अलावा। तो इतना मैं समझता हूँ बुरे तरीके से एहतसाबी अमल एक्सपोज हुआ है कि इसके बाद किसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। तो ये सारा एहतसाब जो है ये पाकिस्तान में अपोजिशन के लिए है, और जब ये जादू का महल गिरेगा उसके मलबे के नीचे ये एहतसाब भी गिरे। क्या कहेंगे PDM की अब तक की जितनी भी मोबिलाइजेशन रही, आप समझते हैं कि हुकूमत बंद गली की तरफ जा रही है या PDM जा रही है? अपोजिशन जो है उसने बंद गली में इसलिए जाना नहीं होता कि अपोजिशन तो पहले ही ज़मीन पर होती है, आसमान पर हुकूमत होती है, तो अपोजिशन गिरती नहीं है क्योंकि वो खड़ी ज़मीन पर होती है, गिरना उसने होता जो ऊपर चढ़ा होता है। तो ये गवर्नमेंट जो है ये ऑब्वियसली इसको इसका नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने जब मुकालमे का वक्त था उसको ज़ाया कर दिया, तो अब मुकालमे का वक्त तो शायद बाकी बचा नहीं है। 2017 में तो अपोजिशन बंद गली में चली गई थी और गवर्नमेंट कामयाब रही थी, अब क्या समझते हैं? मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सका। इमरान खान साहब का धरना 2014 में तो उसका भी नुकसान तो हुआ था ना। अच्छा ख्वाजा साहब क्या कहेंगे, फॉरेन एक प्लान का हिस्सा था वो धरना, जिसके नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हुकूमत और उनकी जो वजारत उज़्मा थी उनसे वापस ली गई थी, तो उस मंसूबे का वो हिस्सा। फाजिल साहब, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से क्या कहेंगे, समझते हैं कि वो फैसला आ जाएगा? आप समझते हैं कि जो आप लोगों ने खसूसन इस्लामाबाद में ECP के सामने धरना दिया, एहतजाज किया है, तो अब उन पर कोई प्रेशर बिल्टअप हुआ है? इसमें ऐड कर लीजिएगा कि कल PM ने कहा है कि हम लाइव कवरेज करवाना चाहते हैं, PMLN भी वहाँ पर मौजूद हो, पीपल्स पार्टी भी हो, मौलाना फजल रहमान भी हो, आप एग्री करते हैं कि इसको लाइव कवरेज होनी चाहिए? अब वज़ीर आज़म साहब को याद आया कि लाइव कवरेज हो, 6 साल से वो फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं, और वो जो अकबर बाबर साहब हैं जो उनके फाउंडर मेंबर हैं PTI के, उनकी आवाज़ को वो सुनने नहीं देते, अदारों को दबाव में लेते हैं, अपने वकला खड़े करके मुख्तलिफ हीले बहाने करते हैं। और ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एप्लीकेशन दी है, ये सिर्फ काउंटर करने के लिए दिया ना, ये अब याद आया था उनको कुछ अर्सा पहले, आज उन्हें लाइव कवरेज याद आ गया, तो ये शौक भी पूरा कर लें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, और अगर फॉरेन फंडिंग केस पे वाज़े तरीन जो सबूत हैं और शवाहिद हैं उसके बावजूद भी फैसला नहीं आता, तो फिर आगे अगर आइंदा मुल्क में इलेक्शन भी इसी ने कराया, इलेक्शन कमीशन है, तो वो क्या इलेक्शन होगा? अच्छा ख्वाजा साहब क्या कहें?